चलते हैं हम नेदर पोर्टल के वर्ल्ड में। वाव, क्या ही, कितनी बड़ी ये दुनिया है नेदर पोर्टल। ओ शिट। सो हे माइनक्राफ्ट लवर्स, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम जैसे कि बोले थे कि आज इस डे में, डे 6 में, हम चलने वाले हैं नेदर पोर्टल के वर्ल्ड में। तो नेदर पोर्टल के वर्ल्ड में जाने से पहले हम कुछ शॉर्ट्स बना लेंगे और चलते नेदर पोर्टल की दुनिया में। एक बार हम अपने विलेज को देख लेते, क्योंकि मैंने नेदर पोर्टल जो वर्ल्ड होता है वो बहुत डेंजर वाले वर्ल्ड होता है। तो चलो चलते हैं। सुबह अभी क्रीपर का दर्शन हो गया है। ओए, मैंने अभी बंटी को देखा। अरे बंटी, ये तेरा बच्चा है? वाह बंटी, मिठाई नहीं खिलाया यार, तेरा बच्चा हो गया। मैं नहीं बताऊंगा। खिला देता कुछ मिठाई। इसका नाम क्या है? घंटी। अरे भाई, किसको खिलाने गया, कौन खा गया? देखो अब ये मुर्गा भी मुझे दिल दे बैठा है। देख सकते हो कि ये भेड़ का बच्चा कितना क्यूट है और किस तरह से वो अभी सीख रहा है खाने के लिए, और जितना ग्रास सब है सबको उखाड़ते जा रहा है। क्या बंटी, इसका बेटा घंटी? ठीक है, तो तुम अपने काम में लगे रहो, हम चलते हैं अपने नेदर पोर्टल के वर्ल्ड में और देखते हैं कि आज क्या क्या होता है उस वर्ल्ड में। और पहली बार सर्वाइवल मोड में मैं लेके आपको जाने वाला हूँ सर उस वर्ल्ड में। तो चलो चलते हैं। कल से ही हमारे नेदर पोर्टल रेडी था, लेकिन हमने वहाँ तक गए नहीं क्योंकि वो वीडियो बहुत लंबा हो जाता। तो लेट्स बाय बाय टाटा, चलते हैं। तो अब हम घुसने वाले हैं नेदर पोर्टल के वर्ल्ड में और पहुंच गए हैं हम लोग गाइस। तुम लोग, और ये क्या, ऊपर से कौन टपक गया? ओ भाई, ये तो सुअर है, और सुअर गोल्डन का सोर्ड लेके है। और ये क्या है भाई लोग, देख सकते हो तुम लोग कि ऊपर में एक बड़ा सा कुछ तैर रहा है इस वर्ल्ड में, और ऊपर में कुछ गोल्डन का ब्लॉक भी मुझे दिख रहा है। तो हम कोशिश करेंगे कि वहाँ तक जाने में, कि वहाँ पे हमें कुछ गोल्ड्स मिलता है कि नहीं। और पता नहीं क्या क्या यहाँ पे कुछ दिख रहा है मुझे ज़मीन के अंदर, आयरन टाइप, वो सब शायद नेदरराइट है। उससे पहले हम इसका सोर्स ले लेते हैं, देखते हैं कि इसका सोर्स हमें मिलता है कि नहीं। लेकिन नहीं, हमें इसका सोर्स मिलता नहीं। और ये भी कोई प्राणी था जो एक ही बार में ख़त्म हो गया। ओ माय गॉड, देख सकते हो कि कैसे ये लोग ऊपर से टपक जा रहे हैं मुझे मारने के लिए। और एंडरमैन से पंगा नहीं लेना है क्योंकि वो बहुत ताकतवर होता है, अगर पिटा गया तो वो पीछा छोड़ने वाला नहीं है, मारने से वो भाग भी जाता है, इनविजिबल टाइप हो जाता है। तो इन लोगों से पंगा नहीं लेके हम इस नेदर वर्ल्ड को एक्सप्लोर करते हैं, देखते हैं कि क्या क्या हमें मिलता है। तो चारों तरफ आग ही आग है और आग के बीच में हम चल रहे हैं, और देख सकते हो कि तुम लोग, ये अगर मैं यहाँ से गिरा तो मेरा पूरा पूरी काम तमाम है, कोई बचने का चांस नहीं, क्योंकि ऊपर से सिर्फ एक भी जगह पानी मुझे नहीं दिख रहा है, सिर्फ लावा ही लावा दिख रहा है। अगर यहाँ से गिरा तो समझ लो खेल ख़त्म। ये वर्ल्ड जो है बहुत, और जो वहाँ उधर तुम लोग देखे होंगे कि वो ब्लू कलर का जो चल रहा है वो एक फायर है, सोल फायर। लेकिन वहाँ तक जाने का रास्ता नहीं है, तो हम कुछ जुगाड़ लगाते हैं, देखते हैं कि पहुँच सकते हैं कि नहीं। लेकिन अगर वो यहाँ का अगर मूव्स हमें देख ले तो छोड़ने बचने वाले हम नहीं हैं, क्योंकि हम अपने लिए कुछ खाना भी नहीं लेके आए कि यहाँ पर कुछ खाया जाए। एक पिकेक्स बना लिए और पिकेक्स से काम चलाना होगा, क्योंकि जितना भी यहाँ का जो रेड रेड स्टोन है इसको कलेक्ट करके हम देखते हैं कि रास्ता बनाया जा सकता है कि नहीं। 10 गो है और 10 गो में शायद हो जाएगा। ओ शिट, ओ देख सकते हो कि तुम लोग, वो जो ऊपर में तैर रहा था सादा वाइट कलर का, वो मेरा ऊपर फायर फेंक के मार रहा है।
और फायर बुझने का नाम नहीं ला रहे। एक तो चारों तरफ आग ही आग है, और ये पता नहीं कौन सा प्राणी है फायर फेंक के मारता है। और कुछ डायमंड्स, शायद ये गोल्ड है। हाँ, छोटे छोटे गोल्ड के टुकड़े मिल रहे हमें, देख सकते हो कि 5-8। और ये 17। वाव, कुछ मशरूम्स दिख रहे हैं लेकिन मशरूम खाने लायक नहीं है। चलते हैं कि हम नीचे की ओर चल जा पाते कि नहीं, क्योंकि हम चाहते हैं कि और दूर तक हम जा सके। इधर तो मूव से तो इधर नहीं जाना है, क्योंकि लोग से पंगा नहीं लेना है। हमें चुपचाप से साइड से जाके और दूसरे छोर की ओर उतरना है, और वो जो हवा में उड़ रहा है वो मूव से बच के रहना है, क्योंकि वो अगर फिर से हमें देख लिया तो इस बार हमारा एक तो डैमेज है और इस बार बचने का कोई चांस नहीं है। तो हम उस पिलर तक जाने की कोशिश करते हैं स्टोन लगा के। आइडिया बुरा नहीं है वैसे, और बहुत सावधानी से हमें चलना होगा, कहीं कि थोड़ा सा भी इधर उधर हुआ तो हमारा खेल खत्म, क्या ही बोले। पिकेक से तोड़ना होगा, पिकेक से बहुत जल्दी टूट जा रहा है। चलो, तो ऐसे करके हम दिमाग लगा के नीचे की ओर उतरते हैं और देखते हैं कि हमें उस साइड जाने का मौका मिलता है कि नहीं। चलो, उगलते हुए लावा, इधर से भी कोई काम नहीं हो रहा है। चलो, इधर से चलते हैं हम जल्दी से रास्ता बना के। थोड़ा सा भी इधर उधर हुआ तो हमारा काम तमाम है, सोच लो। ओ शेट शेट, बोला बोला, गया गया, और बचने का कोई चांस नहीं है। यहाँ पे शायद हमारा गेम ओवर हो जाएगा, लेकिन 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 हम यहाँ पे बच चुके हैं, और दो को हमारा एक हेल्थ है। फिर भी भूख भी लग चुका है, तो वो मॉन्स्टर मार के जो हमें मीट मिला था वही सही अभी फिलहाल के लिए। और सामने है वो आग वाला मॉन्स्टर, उससे बच के अगर वो उसने अगर देख लिया तो काम तमाम है। और देखते कि हम उस पार तक पहुंच पाते हैं कि नहीं। वैसे तुम लोग को हेडफोन का थोड़ा प्रॉब्लम, ओ शेट शेट यार, और गेम यहाँ पर हमारा ओवर होते हुए, कोई चांस नहीं बचने का। तो हम फिर से रिस्पॉन हो चुके हैं अपने ओरिजिनल वर्ल्ड में, अपने गांव में। और जितना भी हमारा कलेक्शन था, वो गोल्ड का चीज, पिकेक, सब उस नेदर वर्ल्ड में रह गया। तो माना जाए तो मेरा यही वर्ल्ड ठीक है। सामने कुछ मुर्गियां हैं, सामने खाने के लिए गाजर है, और कुछ नहीं चाहिए, और रहने के लिए एक घर है, और रात को परेशान करने के लिए थोड़ा 3-4 गो मूव्स है, जो मेरे लाइफ में अच्छा है, उस नेदर वाले वर्ल्ड से अच्छा। और रात हो चुकी है, और घर का स्वागत कर रहा है यहाँ पे हमारे कुछ मकड़ी और क्रीपर। हेडफोन का थोड़ा प्रॉब्लम, वो मेरा हेडफोन खराब हो गया है, तो तुम लोगों को शायद आवाज वॉल्यूम थोड़ा लो आ रहा है। तो यहाँ पे हमारे फिर से एक बार फिर से क्रीपर ने अपना कमाल कर दिखाया है, और देख लो मेरा घर पूरा डैमेज कर दिया उन्होंने, तो क्या ही बोलूँ। जितना भी मेरा सामान था सब बिखरा दिया। कितना सुंदर मेरा होम स्वीट होम था एक क्रीपर के चलते। गेट लगा हुआ है लेकिन इस साइड जो दीवार था वो तोड़ दिया, और मेरा जितना भी खाने बनाने वाला सामान था सब उन्हें सब तबाह कर दिया उस क्रीपर ने। लेकिन कोई बात नहीं, हम फिर से बनाएंगे नेक्स्ट मॉर्निंग, अभी के लिए फिलहाल सो जाते हैं। और वॉल्यूम थोड़ा लो आ रहा है क्योंकि मेरा जो जिस पे मैं रिकॉर्डिंग करता था, जो मेरा हेडफोन, अब वो ख़राब हो गया, तो वॉल्यूम उसी से रिकॉर्ड हो रहा है, लेकिन बहुत स्लो, आवाज़ बहुत स्लो आ रहा। और सोने के लिए हमें जगह नहीं मिला, और ऊपर से मूव परेशान कर रहे हैं, यहाँ पर भी शायद सोने की जगह नहीं देगा सियोर। हर जगह मूव्स ही मूव्स है हमारे रात में, क्योंकि जैसे मैं तुम लोगों को बोल चुका कि परेशान करने के लिए रात को मूव्स है, रहने के लिए घर, और खाने के लिए कुछ गाजर।
तो गाजर के खेत में हम रात बिताते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हम कुछ अपने हाउस को रिपेयर करेंगे जो जो टूटा फूटा था, और कुछ फिर से हम अपने कलेक्शन को बढ़ाएंगे और इस गांव में अभी फिलहाल रहेंगे।